नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 5 इंग्लिश बुक पेटल्स का लेसन 6 द क्लेवर फार्मर के पार्ट 1 को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था पहाड़ी में एक किसान बैलों की जोड़ी से खेत की जुताई शुरू करता है। एक लंबा आदमी वहां आता है और गुस्से से किसान से पूछता है कि किसान उसकी छत के ऊपर क्या कर रहा है। उसके बाद दोनों में कुछ समझौता होता है, लेकिन किसान बड़ी चतुराई से एक नहीं बल्कि दो बार उस लंबे आदमी को मूर्ख बनाता है। किसान ने उस लंबे आदमी को कैसे मूर्ख बनाया, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो एक बार पार्ट 1 को ध्यान से फिर से देखिए। आज इस वीडियो में हम लेसन द क्लेवर फार्मर के पार्ट 2 में कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस के आंसर को डिस्कस करके समझेंगे और उनका आंसर लिखेंगे, वर्ड्स पावर को करेंगे और लैंग्वेज प्रैक्टिस में हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर के प्रयोग को समझेंगे। अंत में दी गई एक्टिविटी को हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर आपको लेसन के आधार पर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द फार्मर लिव, किसान कहाँ रहता था? तो हम लोगों ने लेसन में ध्यान से पढ़ा था, देखिए ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है, दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ क्लेवर फार्मर हु लिव्स ऑन द हिल साइड वेयर फार्मर डू टेरेस फार्मिंग। जो किसान है वो पहाड़ी क्षेत्र में रहता था, इसलिए इसका आंसर होगा द फार्मर लिव्ड ऑन द हिल साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन ऑन द हिल साइड। तो अभी जब हम लोगों ने क्वेश्चन 1 का आंसर लिखा, वहीं पर आगे लिखा है दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ क्लेवर फार्मर हु लिव्स ऑन द हिल साइड वेयर फार्मर्स डू टेरेस फार्मिंग। यानी ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती की जाती है, इसलिए इसका आंसर होगा टेरेस फार्मिंग इज डन ऑन द हिल साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द टॉल मैन एंग्री। हम लोगों ने जब कहानी को पढ़ा था, समझा था, तो हमने देखा था कि एक किसान बैलों की एक जोड़ी खरीदता है और खेतों की जुताई शुरू करता है, तभी वहां पर एक लंबा आदमी आता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हमारे लेसन में कहाँ लिखा है। देखिए ये यहाँ पर दिया गया है, हे यू देयर, माय हाउस इज एट द फुट ऑफ दिस हिल, व्हाट आर यू डूइंग ऑन माय टेरेस। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, प्लीज डू नॉट गेट एंग्री, बी काम, रिप्लाइड द फार्मर। ही सेड फर्दर, आई एम प्लोइंग दिस फील्ड टू सो द सीड। यानी कृपया क्रोधित ना हो, शांत रहें, किसान ने उत्तर दिया। उसने आगे कहा, मैं बीज बोने के लिए खेत जोत रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा द टॉल मैन वॉज एंग्री बिकॉज हिज हाउस वॉज एट द फुट ऑफ द हिल वेयर फार्मर वॉज प्लॉइंग द फील्ड टू सो द सीड। यहाँ पर आंसर में एक वर्ड आया है PLOUGHING, प्लॉइंग। प्लॉइंग प्लाउ वर्ड से बना है जिसकी स्पेलिंग होती है PLOUGH। आपने देखा होगा कहीं कहीं पर प्लाउ वर्ड की स्पेलिंग लिखी होती है PLOW। ये दोनों स्पेलिंग इंटरचेंजेबल हैं और दोनों सही हैं। जो PLOUGH है इसको हम ब्रिटिश इंग्लिश में लिखते हैं और PLOW स्पेलिंग यानी
फ्लो को हम अमेरिकन इंग्लिश में लिखते हैं। इसी प्रकार से और बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग में हम यू का यूज करते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कलर की स्पेलिंग होती है COLOUR, ये ब्रिटिश इंग्लिश में है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसको हम लिखते हैं COLOR। इसी तरीके से फेवर की स्पेलिंग FAVOUR होती है, ये ब्रिटिश इंग्लिश में है और अमेरिकन इंग्लिश में इसे हम लिखते हैं FAVOR। इसी तरीके से ऑनर की स्पेलिंग आपकी ब्रिटिश इंग्लिश में HONOUR होती है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में इसको हम HONOR लिखते हैं। इस प्रकार इन एग्जाम्पल से हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी बुक्स हैं उनमें जो स्पेलिंग हम लिखते हैं वो हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं और यहाँ पर हम यू वाली स्पेलिंग्स को लिखते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्लीज्ड द टॉल मैन एंड हाउ। तो देखते हैं इसका आंसर हमारे लेसन में कहां पर है। ये देखिए, ये यहां पर लिखा है, व्हेन आई ग्रो द क्रॉप आई शैल शेयर द हार्वेस्ट विद यू एवरी ईयर। ये किसान ने कहा था। किसान ने कहा, जब मैं फसल उगाऊंगा तो प्रतिवर्ष आपके साथ फसल को बांटूंगा। यानी इसका आंसर होगा, द फार्मर प्लीज्ड द टॉल मैन, ही प्रॉमिस्ड टू शेयर द हार्वेस्ट विद हिम एवरी ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज क्लेवरर, द फार्मर और द टॉल मैन, गिव रीजंस। तो बताइए कौन ज्यादा चालाक था, किसान या लंबा आदमी, और साथ में कारण भी बताना है। तो देखिए आपकी बुक में इसका आंसर लिखा हुआ है, द फर्स्ट ईयर द फार्मर सोड वीट, ही टुक ऑल द वीट एज इट ग्रू अबव द ग्राउंड। यानी पहले साल जो किसान था उसने गेहूं बोया, जमीन के ऊपर उगने के कारण उसने सारा गेहूं ले लिया, एंड गेव द रूट्स टू द टॉल मैन विच वर बिलो द ग्राउंड। और आपने गेहूं की फसल देखी होगी, इसमें जो यूजफुल हार्वेस्ट है वो आपका ऊपरी भाग होता है, जो नीचे का भाग होता है वो यूजलेस होता है। और किसान जो था वो बहुत चालाक था, उसने गेहूं जो काम का था उसको खुद ले लिया और नीचे की जड़ें लंबे आदमी को दे दी। इसी प्रकार दूसरे साल उसने क्या किया, द नेक्स्ट ईयर द फार्मर ग्रू ग्राउंड नट्स, When the crop was ready, the farmer took all the ground nuts as it grew below the ground. आपने मूंगफली की फसल शायद देखी होगी, जो मूंगफली है वो जमीन के अंदर होती है। यानी जो किसान था वो बहुत चालाक था, अगले साल किसान ने मूंगफली उगाई, जब फसल तैयार हो गई तो जमीन के नीचे उगने के कारण किसान ने सारी मूंगफली ले ली। And the poor tall man got only the leaves which were above the ground. In this way, the tall man was fooled by the farmer again. बेचारा जो लंबा आदमी था, उसे ऊपर के सिर्फ पत्ते मिले। इस तरीके से लंबे आदमी को किसान द्वारा फिर से मूर्ख बनाया गया। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, who was cleverer, the farmer or the tall man? इसका हमारा आंसर होगा, The farmer was cleverer than the tall man. First, he convinced the tall man that he will share his harvest every year. And twice, he shared the waste harvest produce without breaking his promise. तो बच्चों आपने देखा, जो किसान था वो कितना चालाक था, वो बहुत ज्यादा चालाक था। उसने दोनों साल उस लंबे आदमी को बेवकूफ बनाया और बिना अपना वादा तोड़े उसने किसान को दोनों वर्षों में जो फसल का बेकार भाग था वही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है और उसके चार ऑप्शंस दिए गए हैं।
हमें पार्ट के आधार पर बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा आंसर आएगा। सेंटेंस है, द फार्मर बॉट डैश अ पेयर ऑफ काउज, अ पेयर ऑफ बुलक्स, अ पेयर ऑफ बफेलोज और अ पेयर ऑफ हॉर्सेस। लेसन में हमने बहुत ध्यान से देखा था, जो किसान था उसने एक जोड़ी बैल खरीदे थे, यानी यहाँ पर सेकंड ऑप्शन ठीक है और ये यहाँ पर हम फिल करेंगे और जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो कंप्लीट होकर बनेगा, द फार्मर बॉट अ पेयर ऑफ बुलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू क्रॉप्स विच ग्रो अबव द ग्राउंड एंड बिलो द ग्राउंड। तो यहाँ पर हमें दो उन फसलों के नाम लिखने हैं जो जमीन से ऊपर होती हैं और दो उन फसलों के नाम लिखने हैं जो जमीन के नीचे होती हैं। तो आप अपने मम्मी पापा से डिस्कस करिए और देखिए कि वो कौन कौन सी फसलें हैं जो जमीन के ऊपर होती हैं और वो कौन कौन सी फसल हैं जो जमीन के नीचे होती हैं। मुझे पता है ऐसी बहुत सारी फसलें होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमें दो फसलों के नाम लिखने हैं, इसलिए हम लिखेंगे क्रॉप्स विच ग्रो अबव द ग्राउंड, वो है आपकी वीट एंड राइस, और क्रॉप्स विच ग्रो बिलो द ग्राउंड यानी वो फसल जो जमीन के नीचे होती है वो है आपकी पोटैटो एंड ग्राउंडनट्स। आप अपनी समझ के अनुसार इनमें अन्य फसलों के नाम भी लिख सकते हैं। वर्ड पावर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पर एक बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उसके बाद में कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंस दिए गए हैं। आपको इन वर्ड्स को यहाँ पर फिल करते हुए मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं। तो आइए सबसे पहले बॉक्सेस में दिए गए वर्ड्स को हम एक बार देखते हैं। ये वर्ड्स दिए गए हैं क्लेवर, फूल्ड, क्रॉप, सोट एंड पेयर। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस को हम पढ़ते हैं, द फार्मर डैश सीड इन द सॉइल। यहाँ पर जो वर्ड फिट हो रहा है वो है हमारा सोड, यानी जो सेंटेंस कंप्लीट होकर बनेगा वो बनेगा द फार्मर सोड सीड्स इन द सॉइल। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही टॉट हिज डॉग सम डैश ट्रिक्स। तो यहाँ पर जो हमारा वर्ड फिट हो रहा है वो है क्लेवर, यानी जो सेंटेंस कंप्लीट होके बनेगा वो है ही टॉट हिज डॉग सम क्लेवर ट्रिक्स। नेक्स्ट सेंटेंस, द राइस डैश वॉज डैमेज्ड बाय द फ्लड दिस ईयर। यहाँ पर जो बाकी वर्ड्स बचे हैं उनमें से वर्ड है क्रॉप, वो यहाँ पर होता है फिट, एंड ये सेंटेंस कंप्लीट होकर बनेगा द राइस क्रॉप वॉज डैमेज्ड बाय द फ्लड दिस ईयर। नेक्स्ट सेंटेंस, रोहन परचेज्ड अ डैश ऑफ ग्लोव्स फ्रॉम द मार्केट। यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ड आएगा वो है आपका पेयर, तो सेंटेंस कंप्लीट होके बना रोहन परचेज्ड अ पेयर ऑफ ग्लोव्स फ्रॉम द मार्केट। लास्ट सेंटेंस, आई एम नॉट गोइंग टू बी डैश वंस अगेन बाय द शॉपकीपर। यहाँ पर हमारा एक वर्ड बचा है और वो है फूल्ड, यानी जो सेंटेंस कंप्लीट होकर बनेगा वो है आई एम नॉट गोइंग टू बी फूल्ड वंस अगेन बाय द शॉपकीपर। लैंग्वेज प्रैक्टिस, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है और कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन सेंटेंसेस को हमें इज एम आर का यूज करते हुए कंप्लीट करना है। तो आइए इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के पहले सबसे पहले हम इज एम आर कहाँ यूज करते हैं उसको समझते हैं, साथ ही साथ एक बार ध्यान से इस पिक्चर को देखते हैं। जब सब्जेक्ट आई होता है यानी जो करता है वो हम स्वयं होते हैं, वहां पर हम आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम यूज करते हैं, और अगर जो सब्जेक्ट है वो यू है उसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं। इन दोनों के अलावा यानी
आई और यू के अलावा जो अदर सब्जेक्ट होते हैं उनमें हम इज और आर का यूज करते हैं। जो सब्जेक्ट है यदि वो सिंगुलर नंबर होता है यानी वो एक वचन होता है वहां पर हम इज का प्रयोग करते हैं, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है यानी जो कर्ता है वो एक से अधिक होते हैं बहुवचन में होते हैं वहां पर हम आर का यूज करते हैं। आइए इनको कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। अभी हमने समझा कि जब भी जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर होता है यानी ही शी इट या कोई नाम जैसे राम श्याम गीता सीता इट दिस दैट में सब्जेक्ट जो है वो हमारा सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर हम इस का यूज करेंगे। और जब जो सब्जेक्ट है वो हम खुद होते हैं यानी जो कर्ता है वो हम स्वयं होते हैं वहां पर हम एम का यूज करते हैं, आई के साथ एम का यूज किया जाता है। इसी तरीके से जब जो कर्ता है वो बहुवचन होते हैं यानी कर्ता एक से ज्यादा होते हैं जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होता है, फॉर एग्जाम्पल यू वी दे टू बॉयज बॉयज गर्ल्स काउज स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नंबर में है इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर का यूज किया जाएगा। आइए अब एक बार हम दी गई पिक्चर को ध्यान से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पिक्चर में क्या हो रहा है। यहाँ पर एक क्लास है, इस क्लास में कुछ एनिमल स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और जो मैडम है वो काऊ है और वो बोर्ड पे कुछ लिख रही है। यहाँ पर पिक्चर को देखने से पता चलता है कि पीछे वाली बेंच में एक बेबी एलिफेंट और एक बेबी डोंकी बैठा हुआ है, आगे कुछ स्टूडेंट्स खड़े हैं जिनमें शायद एक पिगलेट है और एक कब है। ये यहाँ क्यों खड़े हैं ये आगे अभी हम सेंटेंस को देखकर समझेंगे। और यहाँ पर जो किटन है वो नीचे से कुछ उठा रही है, आगे दो बनी रैबिट्स बैठे हुए हैं और एक पपी जो है शायद वो क्लास में अंदर एंटर कर रहा है। आइए अब पिक्चर से जो हम समझ रहे हैं और जो हमने अभी सीखा है इस एम आर को कहाँ और कैसे यूज करते हैं उनके आधार पर इन सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है दिस डैश मिसेस काउस क्लासरूम। तो अभी अभी हमने सीखा कि अगर सब्जेक्ट ही शी इट दिस दैट या कोई नाम हो या सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो वहां पर इज का यूज किया जाता है तो यहाँ पर हम फिल करेंगे इज, और यहाँ पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट होके बनेगा दिस इज मिसेस काउस क्लासरूम। नेक्स्ट सेंटेंस टू बनी रैबिट्स डैश सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच। अभी अभी हमने पिक्चर में देखा था कि जो दो बनी रैबिट्स हैं वो आगे बेंच में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नंबर है क्योंकि ये टू बनी रैबिट्स हैं इसलिए यहाँ पर हम आर का यूज करेंगे। और जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो बनेगा टू बनी रैबिट्स आर सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच। नेक्स्ट सेंटेंस द काफ एलिफेंट डैश सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर है काफ एलिफेंट है इसलिए यहाँ पर हम इस का यूज करेंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा द काफ एलिफेंट इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच। नेक्स्ट सेंटेंस आई डैश द मॉनिटर सेज द पपी। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आई है और हमने सीखा जो आई सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब एम का यूज करते हैं तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस बनेगा आई एम द मॉनिटर सेज द पपी। नेक्स्ट सेंटेंस द पिगलेट एंड द कब डैश पनिश्ड बाय मिसेस काउ। अभी हमने पिक्चर को देखकर समझा था कि दो स्टूडेंट्स आगे खड़े हैं, अब हमें पता चला कि उन्हें उनकी मैडम ने पनिशमेंट दिया है। यहाँ पर
जो स्टूडेंट्स हैं वो दो हैं, पिगलेट एंड द कब, यानी प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पर हम आर का यूज करेंगे, जो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होकर बनेगा वो बनेगा द पिगलेट एंड द कब आर पनिश्ड बाय मिसेस काउ. नेक्स्ट सेंटेंस, दे डैश पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग देयर होमवर्क. यहाँ पर अभी अभी हमने सीखा था कि यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू वी दे या प्लूरल नंबर हो तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करते हैं. इसलिए यहाँ पर हम आर फिल करेंगे और हमारा सेंटेंस बनेगा दे आर पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग देयर होमवर्क. तो देखा बच्चों, हमें होमवर्क करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो मैडम फिर पनिशमेंट देती हैं, जैसे यहाँ पर काउ मैडम दे रही है. आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं. मिसेस काउ डैश राइटिंग अल्फाबेट्स ऑन द बोर्ड. यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो मिसेस काउ है और वो सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर हम इस का यूज करेंगे. और जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो बनेगा मिसेस काउ इज राइटिंग अल्फाबेट्स ऑन द बोर्ड. आपने देखा बच्चों, जो मैडम है वो बोर्ड पर एबीसी लिख रही है, यानी वो बच्चों को अल्फाबेट सिखा रही है. लास्ट सेंटेंस है, आई डैश सॉरी सेज द किटन व्हेन शी ड्रॉप्स हर बैग. ओके, अभी अभी हमने देखा था कि जो किटन है उसका कुछ नीचे गिर गया है, तो अब हमको पता चला कि उसका बैग गिरा था, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है आई, और आई के साथ हमने सीखा जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो लगता है एम, यानी जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो बनेगा आई एम सॉरी सेज द किटन व्हेन शी ड्रॉप्स हर बैग. एक्टिविटी, ड्रॉ द इमेजेस ऑफ डिफरेंट लैंड फॉर्म्स गिवन बिलो ऑन अ चार्ट पेपर. हमें इस एक्टिविटी में 6 लैंडस्केप्स की पिक्चर दी गई है. आइए सबसे पहले इनको एक एक करके समझते हैं. माउंटेन्स, माउंटेन्स आर दैट लैंडफॉर्म्स विच आर हायर देन द सराउंडिंग एरियाज एंड हैव स्टीप स्लोप्स. पर्वत, वो भू आकृति है जो आसपास के क्षेत्रों की तुलना में बहुत ऊंची होती है. इनकी ढलान खड़ी होती है, इसलिए इन पर चढ़ना भी बहुत कठिन होता है. बहुत सारे माउंटेन मिलकर माउंटेन रेंज बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हिमालयन माउंटेन रेंज. नेक्स्ट लैंडस्केप दिया है हिल्स. हिल्स आर नेचुरली रेज्ड एरिया ऑफ लैंड दैट एक्सटेंड्स अबव द सराउंडिंग टेरेन बट डू नॉट हैव स्टीप स्लोप्स. पहाड़ या पहाड़ियां भूमि का एक प्राकृतिक रूप से उठा हुआ क्षेत्र होता है जो आसपास के भूभाग के ऊपर फैला हुआ होता है. Hills are easier to climb than mountains. They are less steep and not as high as mountains. यानी जो पहाड़ हैं या जो पहाड़ियां हैं, पर्वत की तुलना में इन पर चढ़ना आसान होता है. वो कम खड़े होती हैं और उतने ऊंचे नहीं होते जितने की पर्वत. नेक्स्ट लैंडफॉर्म दी गई है वैलीज. Valleys are low-lying areas of land between hills and mountains. यानि जो घाटियां हैं वो पहाड़ियों और पर्वतों के बीच भूमि के निचले इलाके हैं. उदाहरण के लिए कश्मीर वैली और हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा वैली. नेक्स्ट लैंडफॉर्म दी गई है प्लेट्यू. प्लेट्यू आर फ्लैट हाईलैंड्स. यानी जो पठार हैं वो समतल उच्च भूमि है. साउथ में डेक्कन प्लेट्यू और नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम इसके उदाहरण है. नेक्स्ट लैंडफॉर्म दी गई है प्लेन्स. प्लेन्स आर फ्लैट एरियाज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो मैदान है वो पृथ्वी की सतह पर समतल क्षेत्र है. लास्ट लैंडफॉर्म दी गई है आईलैंड. आईलैंड इज पीस ऑफ लैंड which is surrounded by water from all sides. जो द्वीप है वह भूमि का वह टुकड़ा है जो चारों ओर जल से घिरा हुआ होता है. उदाहरण के लिए
जो श्रीलंका देश है वो एक द्वीप है। भारत में अंडमान और निकोबार द्वीपों का एक समूह है जिसके अंतर्गत लगभग 300 द्वीप आते हैं। अब हमने सभी लैंडस्केप को ठीक से समझ लिया है। नाउ ड्रॉ द इमेजेस ऑफ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स गिवन बिलो ऑन अ चार्ट पेपर। इन केस यू डू नॉट हैव चार्ट पेपर, इनको आप किसी नोटबुक पर बनाकर भी कलर कर सकते हैं। मुझे आशा है आप लोगों को ये लेसन द क्लेवर फार्मर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।